वैसे जान सिर्फ इनकी नहीं बची इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की वजह से, जो बस में बैठे पैसेंजर थे उनकी भी जाने बची। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे ब्रांड की बात करेंगे जिनकी जो महंगी गाड़ियां होती है उनको लेने से लोग कतराते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनका बुढ़ापा काफ़ी ख़राब रहता है, काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो आज उसी ब्रांड की मैं एक गाड़ी लेकर आया हूँ आप लोगों के पास, और वो है टाटा हेक्सा। ये लगभग 1 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, अगर मैं एक्यूरेट बात करूं 1,05,000 किलोमीटर चल चुकी है। और इस दौरान इसमें क्या क्या परेशानी आई और इनके ओनर से भी हम बातचीत करके देखेंगे उनको इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा और क्या क्या बुरा लगा इस गाड़ी में, और अभी तक का कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस गाड़ी का, और क्या वो गाड़ी से संतुष्ट हैं या नहीं। और साथ ही साथ में 1,05,000 किलोमीटर चलने के बाद इसको मैं चला के देखूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अभी इस कंडीशन में ये कैसी चल रही है। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर सागर और मिस्टर ज्ञानी जी को, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि इस गाड़ी को कितना टाइम हो गया है। सर, इस गाड़ी को 2 साल हो गए हैं और अपन ने इसको 1,05,000 किलोमीटर चला चुके हैं अपन इसको। और ये आप लोगों को बता दूं, ये हेक्सा का XM वेरिएंट है, और ये ऑन रोड कितने का पड़ा? 2 साल पहले सर ये हमको करीब 17 लाख रुपये का पड़ा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हेक्सा 2 साल पहले आई थी, उस टाइम पर टाटा का नाम जो है उतना अच्छा नहीं था रिलायबिलिटी के मामले में, और उस टाइम पे आपने ये गाड़ी ख़रीदी, तो क्या ऐसे रीजन थे जिसके लिए आपने हेक्सा को चुना? सबसे पहली बात तो ये थी कि अपन सफारी लेना चाहते थे, तो उसमें कुछ कमियां थी जिसको सुधार कर टाटा ने हेक्सा को बनाया, और जैसा हमारा काम है तो हमको सबसे बढ़िया गाड़ी यही लगी। अच्छा। और हम ऑलरेडी स्कॉर्पियो को यूज कर रहे हैं। हाँ। तो उससे तो बेटर है, इसकी हिदायत भी अच्छी है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। हमने जैसे ही गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लिया था तो गाड़ी फर्स्ट टेस्ट ड्राइव में ही अपन को बहुत पसंद आ गई थी। हमको टाटा पर ही भरोसा था। हाँ। सर्विस सेंटर की तो खैर ये है कि कभी तो चेंज होंगे, तो उस भरोसे को रखते हुए हमने टाटा की इस गाड़ी को लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने लगभग 1,00,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला दिया है, और अभी तक आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? सबसे बड़ी बात तो इसकी गाड़ी की राइड और हैंडलिंग। अच्छा। इसकी राइड और हैंडलिंग इतनी अच्छी है कि इस गाड़ी ने हमको कभी भी निराश नहीं किया। और उसके अलावा इसका इंजन परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि स्कॉर्पियो भी अपन चला रहे हैं, XUV को भी अपन ने चला के देखा, और स्कॉर्पियो के अलावा और भी गाड़ियां हैं जैसे इसी की रेंज में आती हैं, जैसे कि एक दो गाड़ी और इनोवा को भी चला के देखा अपन ने, जो इसी सेम रेट की थोड़े सी ऊपर आती है, बट अपन को ये गाड़ी रफ एंड टफ लगी, और फिर इसका मेंटेनेंस भी कम है, तो इस वजह से अपन ने इस गाड़ी को लिया। और सबसे बड़ी बात कि अपने ही पास में एक डीलर भी है और सर्विस सेंटर भी है, तो इस वजह से हमने इस गाड़ी को प्रेफर किया। तो कितना खर्चा आ जाता है इसकी सर्विस पे? लगभग सर्विस में खर्चा लगभग लगभग 12,000 और 13,000 के बीच में आता है, जो नॉर्मल सर्विस होती हैं, और जो ज़्यादा जैसे अब 1,00,000 की सर्विस थी उसमें करीब करीब 17,000-18,000 रुपये के आसपास आया था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होनी होती हैं, तो इस वजह से उसमें 17-18 मेजर सर्विस थी उसमें 17-18 हज़ार। हाँ जी, और स्कॉर्पियो में भी नॉर्मली 14-15 हज़ार रुपये आते हैं खर्चा, लेकिन उससे तो कम है इसका खर्चा। अच्छा अच्छा तो अब मुझे ये बताइए कि भाई साहब, आप जैसे भाई साहब ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा आपने ही इस गाड़ी को चलाया, तो एवरेज क्या दे रही है? सर एवरेज इस टाइम पे 16 का दे रही है। 16 का दे देती है? बिल्कुल सर, 16 का देती ये है। ये आपने कैसे मेजर किया है, टैंक टू टैंक मेजर किया है या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने सर जैसे गाड़ी को चलाया है 500 किलोमीटर चलाया है, एक बार टैंकी फुल कराने के बाद 500 किलोमीटर चलाने के बाद फिर इसको टैंकी को फुल किया है, उसके बाद फिर मैंने नापा इसका 16 का बैठा है सर। 16 का एवरेज देती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसको सिटी में भी चलाओ, रोड पे भी चलाओ, कैसे भी चलाओ, 16 का निकाल के देती है लास्ट। अच्छा, और सबसे लंबा ट्रिप कितने किलोमीटर का मारा है आपने इसमें? सर मैंने
नॉन स्टॉप 900 किलोमीटर मारा है इससे। अच्छा, बिना किसी परेशानी के, कोई थकावट वगैरह? कोई थकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, एकदम बढ़िया। और आपको कंफर्ट कैसा लगता है इस गाड़ी का? कंफर्ट सर बहुत अच्छा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, जिस तरीके की हमारी रोड़े हैं उसको देखते हुए बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि कोई रास्ते में गड्ढा वगैरह या फिर कुछ पत्थर वगैरह कुछ आ जाते हैं रोड पे, जैसे कि गांव की सड़कें होती हैं जिस तरह के आप देख रहे हो चारों तरफ इसी इस जगह की जैसी सड़कें हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। इसका मतलब जो बॉडी है वो उस तरीके की कसी हुई है कि कहीं भी आवाज़ वगैरह वाली कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है इसमें। वो तो खैर अभी चला के देखेंगे कितनी आवाज़ आ रही है कितनी आवाज़ नहीं आ रही, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं जब गाड़ी चलाऊँगा। और अब सारी बातें एक साइड रखते हैं, अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों की, ठीक है? तो अब आप बताइए कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं आई और नेगेटिव्स क्या क्या हैं, कि क्या क्या परेशानियां आई अभी तक इस गाड़ी में? सर एक तो सर इसकी लाइटें हैं जो प्रॉपर नहीं है। अच्छा, लाइटें थोड़ी कम हैं इसके अंदर। तो हाईवे में परेशानी होती है आप लोगों को? हाँ जी सर। अच्छा, हाईवे में इस परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डिम लाइट है और उनका फोकस भी नहीं है। इसको अपन ने 3-4 बार चेक करा भी लिया है लेकिन वो ये बोलते हैं कि बस इतनी ही रहेंगी। अच्छा। और दूसरी इसमें कमी है सबसे बड़ी हैंड ब्रेक की। अच्छा। तो वो क्या है कि जैसे हम हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक नहीं मानती है बिल्कुल भी गाड़ी। उसके लिए भी 3-4 बार अपन ने दिखाया है कंपनी वालों को, तो वो बोलते हैं कि यह इसकी शुरू से ही प्रॉब्लम है, बस यही प्रॉब्लम इसकी सही नहीं हो सकती, और चाहे आप कुछ भी काम करा लो वो सारा काम हो जाएगा। देख लो अभी जो हैंड ब्रेक की जो समस्या भाई साहब ने बताई थी वो जेन्युइन दिक्कत है। तो अभी जो है हम लोगों ने पीछे पत्थर लगाया है जो कि पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसका जो है वो टाटा अभी भी इसको फॉलो कर रहा था अभी तक, लेकिन अब नहीं है। और हैंड ब्रेक थोड़ा सा कम मानती है ये गाड़ी, इसको गियर के अंदर खड़ा किया है तो काफ़ी ढलान है ऐसे ना, जिस वजह से। और कहते हैं कि टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसे कुछ आपको? इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम्स तो क्या, वो तो छोटी मोटी चलती रहती है, कभी इसकी कोई सी लाइट बंद हो जाती है, कभी पीछे की कुछ बंद हो जाता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, इसके 1,00,000 किलोमीटर में इसके 2 बार पावर विंडो के स्विच और जो मोटर लगी होती है उसको मैं चेंज करा के आ चुका हूँ। ये वारंटी में हुए थे? हाँ जी, ये वारंटी में दोनों कवर हुए थे, पर 2 बार उसके लिए मुझको जाना पड़ा, तो ये वाली चीज़ है। फिर कभी कभी पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं मिलते हैं सर्विस सेंटर पे। टाटा की इसमें कुछ कमियां हैं जो कि क्वालिटी इसकी नहीं सुधार रही है, लेकिन उसमें सर्विस सेंटर की भी गलतियां हैं कुछ, जो पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पे। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दिक्कत है टाटा मोटर्स की गाड़ियों में, टिगोर में नहीं आई वैसे अभी तक। तो अब आप ये बताइए कि आप किसी और को ये गाड़ी, वैसे तो बहुत जल्दी ये बंद होने वाली है, क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा मैं इस गाड़ी को। इसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, कमी कम हैं, लेकिन फिर भी अगर टाटा ध्यान देती है तो ये कोई ऐसी बड़ी कमियाँ नहीं है जिनको सुधारा नहीं जा सकता। जैसे कि उन्होंने लाइट वाली प्रॉब्लम है हैरियर में जो कि उन्होंने सुधार दी है, और मैं मानता हूँ कि उन्होंने हैंड ब्रेक वाली भी प्रॉब्लम हैरियर में उन्होंने सुधार दी है। बाकी अगर इस पर थोड़ा फोकस करते हैं तो ये भी सुधारी जा सकती है। और पुरानी जो गाड़ियाँ हैं जिनसे कि हम भी यूजर्स जो लेना चाहते हैं जिनको हम रिकमेंड करें, तो बस यही 2 कमियां बताते हैं उनको। तो अगर ये 2 कमियां इन गाड़ियों, जो पुरानी गाड़ियां सेल हो चुकी हैं उनकी अगर सुधार दें तो हम और भी ज़्यादा रिकमेंड करना चाहेंगे। तो अभी सागर जी ने मुझे एक चीज़ बताई कि ये जो कहानी है यहाँ की, कुछ रोचक कहानी है, ये जो पीछे आप देख रहे हो डेंट आया हुआ है दरवाजे में, इसके पीछे की कहानी क्या है, बताइए सागर जी हमारे व्यूअर्स को। सर मैं एक बार हाईवे पर ट्रेवल कर रहा था तो जाम लगा हुआ था उस जगह पे, तो ढलान थी पुल से नीचे, तो अपनी गाड़ी को मैंने रोका हुआ था। पीछे से एक रोडवेज बस आ रही थी जिसके ब्रेक नहीं लगे, तो वो इससे आके टकरा गई, और उस वो गाड़ी जो बस है वो इसी की वजह से ही रुकी, और हम सेफ एंड सिक्योर थे। और उसको भी लगा था कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होगा, वो बेचारा माफ़ी मांगने के लिए आया, बट मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए टाटा के लिए कि इतनी मजबूत गाड़ी बनाई उन्होंने। वैसे जान सिर्फ इनकी नहीं बची इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की वजह से, जो बस में बैठे पैसेंजर थे उनकी भी जाने बची, क्योंकि उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और इस गाड़ी ने उसको रोका। अच्छा, तो ये था ओनर का एक्सपीरियंस हेक्सा के साथ। और अभी आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं, बाहर से दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कैसी है, और उसके बाद चला के भी दिखाऊंगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारे चैनल में आए और आपने जो इनपुट दिए इस गाड़ी के बारे में, उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चलाते हैं गाड़ी, आओ।
और अब बारी आती है इस गाड़ी को चलाने की, और देखते हैं कि इतना चलने के बाद क्या ये अभी भी फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। सीट बेल्ट लगा लेते हैं, और सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें ये लगी ना कि इसमें इतनी ज़्यादा नॉइज आती नहीं है। वाओ, जो क्लच है वो सुपर लाइट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है क्लच इसका, काश इतना हैरियर का भी होता। मैं ये विदाउट एक्सलेटर चल रहा हूँ सारा का सारा, सेकेंड गियर में थी। और ताजुब हो रहा है मुझे कि 1 लाख चलने के बाद भी ये गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये गाड़ी, झटके बड़े ही आराम से जो है कुशन कर रही है। गड्ढों में से बड़े प्यार से निकलते हुई, तो अभी हम चला रहे हैं इसको गांव की सड़कों में। गांव में थोड़ी बहुत ख़राब सड़कें हैं, तो वहां पर इसको चला के इसका जो कंफर्ट लेवल है वो देखना चाह रहे हैं। और फिलहाल अभी इस गाड़ी में कोई भी खड़खड़ाहट मौजूद नहीं है, और जैसा कि इसके ओनर ने बताया कि ये गाड़ी वाकई में काफ़ी कम्फर्टेबल है और स्मूथ भी है। और स्टेयरिंग इसका ना ही ज़्यादा लाइट है ना ही ज़्यादा हार्ड है, जैसा होना चाहिए वैसा है। और पावर की अगर मैं बात करूँ, पावर डिसेंट है, भारी गाड़ी है ये आप सभी को पता है, इंजन का आउटपुट भी ज़्यादा है, लेकिन वजन ज़्यादा होने की वजह से उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप जो है इसको एक नॉर्मल वे में चलाते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, डिसेंट है, और आपको मज़ा भी आएगा चलाने में। ये 0 to 100 करने के लिए नहीं बनी हुई है गाड़ी, इसको चलाने का एक अलग ही मज़ा है। इतनी ऊंची पोजीशन में आप बैठते हो और सब कुछ कंफर्टेबल है, वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी इस गाड़ी में। स्पेस की अगर बात करें, स्पेस भी इस गाड़ी में अच्छा खासा है, हालांकि जो पीछे की सीटें हैं वो जो है उतना ज़्यादा स्पेसियस नहीं है। अच्छा रोहित, एक बात बता भाई, तो इसके अंदर नॉइस कैसी लग रही है? नॉइस NVH काफ़ी कंट्रोल है यार। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो इन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, सॉलिड जो है ना वो चीज़ है, तो NVH लेवल ऑब्वियसली जो है वो कम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और उसके बावजूद भी कोई भी ऐसे साइन नहीं है जिससे कि ये पता चले कि इसका बुढ़ापा जो है वास्तव में ख़राब है। और सही बात बताऊं, मुझे इस गाड़ी को चलाने में मज़ा आ रहा है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चलाने में मुझे महसूस नहीं हो रही है बिल्कुल भी, एक रत्ती भर भी। क्या पिकअप है भाई, टर्बो। और गड्ढों को ये पानी की तरह पी जा रही है कसम से। तो अभी हम आपको चंबल की घाटियों में ले जाते हैं। उधर दूर कहीं सांबा बैठता था वहां पर, ठीक है। तो हेक्सा बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई। तो ये है टाटा का 2300-2400 किलो का लोहा, जो कि सब पे भारी पड़ता है, इनफैक्ट ये खुद पे भी भारी पड़ता है, जिसकी वजह से इसके हैंड ब्रेक नहीं लगते। Yeah.